हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम निकालने जा रहे हैं फुटिंग का सरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका BVS कैसे बनाते हैं। अगर आप साइट पर काम कर रहे हो तो ये एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फुटिंग का सरिया कैसे निकालें। आपके सामने एक सेक्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर कुछ बार आपको लॉन्गिट्यूडिनल है, कुछ बार जो आपके हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट बार और लॉन्ग बार दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि हम BVS कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास एक F1 फुटिंग है जिसका हमारे पास साइज 3.35 बाई 3.35 है, यानी कि स्क्वायर फुटिंग है 3350 बाई 3350 mm। ठीक है, इसके अंदर हमको लॉन्ग बार, जैसे हम लॉन्ग बार लेंगे, एक लॉन्ग बार होगा, एक शॉर्ट बार होगा, वैसे स्क्वायर फुटिंग है तो इसमें दोनों ही सेम रहेंगे। ठीक है, इसके हम कवर फुटिंग के अंदर 50 mm अडॉप्ट करेंगे, या फिर जो आपकी ड्राइंग के अंदर दे रखा हो वो आप ले सकते हैं। और 90 डिग्री बेंड के अंदर हम 2D लेते हैं। 2D का मतलब क्या हो गया, 2 × D, डी मीन्स डाई ऑफ बार। तो हम डाई ऑफ बार हमारा 12 mm का है, ये लिख रखा है 12 का डाया 100 के सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, यानी 12 का सरिया जो है 100 mm की स्पेसिंग पे हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2D जो हमारा है वो हो गया 2 × D, डी की जगह हम 12 लिख देंगे तो 24 mm हमारा डिडक्ट हो जाएगा एक बैंड के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो देखिए, आप यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। लॉन्ग बार की हम कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं, तो जितनी हमारी फुटिंग का लेंथ है, यानी लेंथ हमारा क्या है 3.35, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, माइनस 2 × कवर, दोनों तरफ का कवर लेंगे। ये देखिए, मैं इसमें बताता हूँ आपको, यानी ये वाला इधर से भी कवर माइनस हो जाएगा और इधर से भी कवर माइनस हो जाएगा, तो हमारा दो तरफ से कवर माइनस होगा तो ये हमारा 2 × कवर हो जाएगा, यानी 2 × 50 mm कवर लिया तो 0.05 mm। ठीक है, फिर प्लस डेप्थ हमारा क्या है, डेप्थ हमारा हमने यहाँ पर शो कर रखा, देखिए ऊपर 300 mm है हमारा जो फुटिंग का डेप्थ, जो फुटिंग का साइज है। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 × कवर कर देंगे, यानी ऊपर और नीचे का। ये देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कवर जो मिलेगा 50 mm, यहाँ से माइनस हो जाएगा 50 mm, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 − 2 × 0.050, 50 mm, 2 × 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे दोनों तरफ L बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी L है हमारा और यहाँ पर भी L है हमारा, तो हमने दोनों तरफ का लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए −2 × बैंड, यानी दो बैंड हो रहे हैं हमारे। ये देखिए, एक बैंड यहाँ पर है और एक बैंड यहाँ पर है, यानी एक L ये बन रहा है, एक L ये बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के दो बैंड हो जाएंगे, तो हम दो बैंड माइनस करने पड़ेंगे हमको। तो 2 × बैंड, यानी कि 2 × 2D, 2D हमारे क्या है, 2 × D, यानी कि 12 mm। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी ये निकल के आ जाएगी। नीचे देखिए, अब ये 3.25 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये −0.048 mm हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.698 मीटर, ये हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमें नंबर ऑफ बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक फुटिंग में कितना बार लगेगा, ये हमने कटिंग लेंथ निकाल ली है, तो इसी बेस पे हमको नंबर ऑफ बार भी मिल जाएगा। हमारी इसकी लेंथ थी फुटिंग की 3.35 और हमको 100 mm स्पेसिंग दे रखी है। ये देखिए, आपको दिख रहा है 100 mm की स्पेसिंग हमको सेंटर टू सेंटर दे रखी है, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 33.5, यानी जो लॉन्ग बार हमको लगाना है एक फुटिंग के अंदर, वो हमारा लगेगा 33.5, यानी कि 34 नंबर्स ऑफ बार हो गए। ठीक है, हमारी स्क्वायर फुटिंग है तो लॉन्ग बार और शॉर्ट बार दोनों एक ही आएंगे, तो 34 × 2 कर देंगे हम, तो हमारे 68 नंबर्स ऑफ बार आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वांटिटी कैसे निकालनी है, यानी इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। ये तो हमारी कटिंग लेंथ आ गई, नंबर ऑफ बार आ गए, लेकिन हमको इसमें कैसे पता चलेगा कितना केजी हमारा सरिया लग रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल सा, D² / 162 × नंबर ऑफ बार्स
इनटू उसकी कटिंग लेंथ। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डाया हमारा 12 का है, तो 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 मल्टीप्लाई हमारा नंबर ऑफ बार है 68, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी कटिंग लेंथ से 3.698 जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास ये आ जाएगा 223.53 kg एक फुटिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के अंदर हमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।